नमस्कार दोस्तों, अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा सभी एम्प्लॉयज़ को जिनका डाटा बीएड या एचटेट से संबंधित एमआईएस के ऊपर अपलोड नहीं है को मैसेज भेजा जा रहा है, जिसमें उनको डाटा को अपलोड करने के लिए कहा गया है। तो एमआईएस के ऊपर डाटा अपलोड करने के लिए आपको अपनी एम्प्लॉय आईडी या यूजर आईडी उसको कह सकते हैं के साथ आपको जो यू पासवर्ड पहले मिला हुआ था, जो ट्रांसफर वगैरह के दौरान आप एमआईएस पे लॉगिन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो यूजर नेम और पासवर्ड के साथ आप अपने एमआईएस पोर्टल के ऊपर लॉगिन कर लेंगे। तो उसके लिए आपको आईडी और अपना पासवर्ड ध्यान रखना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देंगे। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। एमआईएस के ऊपर लॉगिन करने के लिए जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है, वहां से आप क्लिक करके भी डायरेक्ट एमआईएस पोर्टल के ऊपर लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए कंप्लीट इंटरफेस है, जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, स्टार्टिंग में माई प्रोफाइल, माई प्रोफाइल करेक्शन रिक्वेस्ट, सर्विस रिकॉर्ड एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सारी चीजें यहाँ पे हैं। तो आपको करना क्या है, आपको जब भी कोई चीज नई ऐड करनी है या चेंज करनी है तो आपको करेक्शन की रिक्वेस्ट देनी है। करेक्शन की रिक्वेस्ट आपके डीडीओ को जाएगी, वहां से आपको अप्रूव होके आगे चलेगी। तो उसके लिए जो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, प्रोफाइल करेक्शन रिक्वेस्ट, इसके ऊपर हम जाएंगे, क्योंकि हमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस या एचटेट संबंधी चीजें ऐड करनी है, तो इसके ऊपर जाएंगे। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे दो चीजें नजर आ रही हैं, ऐड न्यू रिक्वेस्ट और नीचे है ऐड क्वालिफिकेशंस। तो ऐड न्यू रिक्वेस्ट यहाँ पे नहीं करेंगे हम, ऐड क्वालिफिकेशंस के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही ऐड क्वालिफिकेशन, उसके बाद यहाँ पे आप सर्टिफिकेट सिलेक्ट करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आता है, आप यस के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही यस के ऊपर क्लिक करते हैं ये नया इंटरफेस दिखाई देगा, नई चीजें यहाँ पे ऐड न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर ग्रीन जो कलर का है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। बोर्ड सेलेक्ट करने के बाद हरियाणा स्टेट बोर्ड सेलेक्ट कर लेना, दो ऑप्शन है वहां पे, टेक्निकल बोर्ड भी है, उसको सेलेक्ट नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। हरियाणा बोर्ड, एजुकेशनल बोर्ड जो है वो सेलेक्ट करना है। तो उसको सेलेक्ट करने के बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो लिस्ट को पॉपुलेट होने में, थोड़ा सा रिफ्रेश होने में टाइम लेता है हर बार। तो जैसे ही वो रिफ्रेश हो जाए, यहाँ पे जो रिफ्रेशिंग पॉइंट है वो बंद हो जाए, तो उसके बाद ही आपको एंटर करना है नेक्स्ट। सर्टिफिकेशन नेम आपको एंटर करना है। सर्टिफिकेशन नेम में जो भी आपका सर्टिफिकेट नेम था, जैसे पुराने टाइम के ऊपर स्कूल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट सर्टिफिकेट है, एसटेट वाला जो था, एचटेट है हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, तो वो सारे के सारे जो भी है आपका, वो आपको जैसे ही आप इसके ऊपर कुछ लेटर्स टाइप करते हैं तो वो नीचे दिखाई देगा, उसी में से आपको सिलेक्ट करना है, अदरवाइज ये बाद में एरर दिखाएगा। तो वहां से उस पर्टिकुलर कोर्स को, आप उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट को करके आप आगे चल सकते हैं। उसके बाद स्पेशलाइजेशन में आप अपना सब्जेक्ट टाइप कीजिए, सब्जेक्ट टाइप करने के बाद भी वो ऐसे ही दिखाएगा, तो वहां से आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन यहाँ पे आपको बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन आप डाल सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि आपका कोई इंस्टीट्यूट वहां पे नहीं था, तो इसलिए आप सिंपली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा डाल दीजिए। तो इस तरीके से जैसे ही हम डालें, क्योंकि मैंडेटरी फील्ड है, आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद डेट ऑफ पासिंग, डेट ऑफ पासिंग आपकी जो भी मार्कशीट है एचटेट की, उसके नीचे लिखी हुई है लोअर कॉर्नर के ऊपर, तो वहां से आप उस डेट को चेक करके इस तरीके से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके उसको डाल सकते हैं। उसके बाद मार्क सिस्टम, ग्रेड सिस्टम नहीं था, मार्क्स था, आप अपने मार्क्स एंटर करेंगे, जितने भी मार्क्स आए हैं वो एग्जैक्टली उसी अमाउंट में और मैक्सिमम मार्क्स क्या थे वो आपको सिलेक्ट करने हैं। उसके बाद आपको फोटो अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, फाइल को सिलेक्ट करेंगे और आप सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव के ऊपर क्लिक करते हैं ये इंटरफेस चलता है, डिपेंडिंग अपॉन योर नेट स्पीड, तो इस तरीके से वो अपलोड हो जाता है। यू हैव सबमिटेड सक्सेसफुली योर रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन चेंज। अब यहां पे देखिए इस तरीके से स्टेटस आपको दिखाई देगा अपलोड होने के बाद। यहां से आप अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं कि आपका अपलोड हुआ है कि नहीं हुआ। ये देखिए अप्रूवल के लिए जो भी डीडीओ हैं उनके पास जाएगा, वहां से अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद आपका जो भी डिटेल्स हैं वो आपकी प्रोफाइल के अंदर ऐड हो जाएंगी। तो ये तो था मेथड सिंपल सा उसको ऐड करने के लिए। हाँ, एक चीज यहाँ पे जरूर ध्यान रखें कि जो फोटो आपको अपलोड करनी है, जो आपकी मार्कशीट की फोटो है, उसका साइज 100 KB से ज्यादा ना हो।
100 KB के अंदर ही उसी साइज को आपको अपलोड करना है, उसको स्मॉल साइज में कन्वर्ट करना है। अब स्मॉल साइज में कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि इतनी बड़ी फोटो को आप कैमरा से भी लेते हैं तो आमतौर से 2 से 3 MB की आसपास वो बनती है। अब छोटा कैसे किया जाए, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप चेक करके किसी भी फोटो को सिंपल 20, 30, 40, 50 KB के अंदर आप उसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने फोटो अपलोड किया है इस वीडियो के अंदर, उसका जब मैंने स्कैन किया था तो 5 MB का साइज था, और जब मैंने इसको अपलोड किया तो 49 KB है। तो जितना छोटा साइज होगा उतना ही जल्दी अपलोड होगा, परंतु ध्यान रखना ये है कि उसका रिजोल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसकी क्वालिटी में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इसलिए आप उस मेथड से जो मैं उस वीडियो के अंदर शेयर करूंगा आप फोटो को अपलोड कर सकते हैं। तो ये तो था सारा का सारा प्रोसीजर जिसके द्वारा हम अपने HTET या BEd या कोई भी दूसरी डिग्री को अपनी MIS के अंदर अपडेट कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो किसी तरीके की तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में, या कोई सुझाव हो तो भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर प्लीज जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।